देखो ड्यूअल जीएसटी का जो एग्जाम्पल दिया अभी, सपोज यूपी का डीलर अपने ही स्टेट में पे करेगा टैक्स, और यूपी का डीलर है किसका, स्टील का, अपने ही स्टेट में सप्लाई कर रहा है, कंस्ट्रक्ट रॉड्स नहीं होती है स्टील की, सपोज वो 10% जीएसटी लगना है, तो कैसे लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी बताओ। हम 5-5 5-5 लगेगा, और कोई बताओ, 10-10 लगेगा कि सिर्फ 5-5 लगेगा, बताओ। कहाँ मैम, 5-5। हो, इतनी देर तक पूछ रही हूँ, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है मेरे को। आगे देखो इसमें, एक सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सीजीएसटी का रेट अब दे रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब सेकेंड एग्जाम्पल पे देखो। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये बताएगा कि सीजीएसटी का रेट है 10% और एसजीएसटी का रेट है 10%, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बताओ। टेन टेन होगा। तब क्या होगा, 10-10, लेकिन अब इसमें एक चीज मैं चेंज कर देती हूँ, हाँ इसमें 10-10 होगा, इसमें कुछ चेंज मत करो। तो ध्यान देना, जब सिर्फ 10% रेट दे तो उसको इक्वली डिवाइड कर लेना, लेकिन जब अलग अलग से मेंशन करेगा प्रैक्टिकल में, तो ध्यान देना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग मेंशन किया है तो उतना देना, लेकिन अगर सिंगल 10% दे दे तो क्या करोगे, दोनों में इक्वली डिवाइड कर देना उसको। आईजीएसटी का देखो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का, देखो जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा, पहली बात तो ये हम इस पे सप्लाई ऑफ गुड्स पे देंगे, जब हम गुड्स सप्लाई करेंगे, है ना। दूसरा इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा कलेक्ट होगा, कलेक्टेड बाय सेंटर ऑन ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इस टैक्स में क्या होता है, जो सेंटर है उसको अपोर्शन कर लेती है, यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन मतलब यहाँ पे देखो इंडिया क्या है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब यहाँ पे सारे स्टेट्स की बात हो रही है। तो सपोज अगर सीजी से कोई सामान निकल रहा है और महाराष्ट्र में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, एमपी में जा रहा है, तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिस भी स्टेट्स में गया और अपना स्टेट सीजी से,
तो उनके बीच में ये इक्वली डिवाइड होगा। आगे इसमें देखो, बस इसमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वो हो जाएगा, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना सही है ये। आईजीएसटी में ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनके बीच में, ये डिसाइड हुआ था बाय पार्लियामेंट में हुआ था ये डिसाइड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये मेंशन करना, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। On the basis of recommendation of GST Council, हाँ इसमें एक चीज और याद रखना, tax will move with the goods, जो tax है वो किसके साथ move करते जाएगा, goods के साथ, जैसे मैंने बताया ना अभी कि एक state से दूसरे state जाते जाएगा, तो जैसे जैसे वो दूसरे स्टेट में एंटर करते जाएगा सामान, तो टैक्स का रेट भी वैसे वैसे मूव करते जाएगा। इक्विवेलेंट आईजीएसटी विल आल्सो बी इंपोर्ट्स, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो भी हम आईजीएसटी का लगाएंगे, इंपोर्ट समझते हो, अगर हम गुड्स को बाहर से मंगवा रहे हैं तो इक्विवेलेंट आईजीएसटी लगेगा उसमें भी, लगाते थे ना अपन प्रैक्टिकल के टाइम पे कस्टम ड्यूटी पे जब गुड्स इंपोर्ट करके आते थे, तो वो वाला इक्विवेलेंट आईजीएसटी याद रखना, जो आईजीएसटी रेट होगा डबल होगा, IGST rate will be double the CGST rate. आगे देखो इसमें, हमेशा हाँ अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, है ना? Yes ma'am. रिवेन्यू तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आगे देखो एक चीज याद रखना, जो गुड्स और सर्विसेज है कहाँ गया, हाँ ये देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसमें गुड्स और सर्विस को एक जैसे ही ट्रीट करके चलेंगे। सर्विसेज क्या होती हैं बताओ, जैसे लॉयर की सर्विस हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, तो ऐसी सर्विसेज पे टैक्स कैसे लगेगा जीएसटी का? हम तो अभी गुड्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऐसी कंडीशन पे जीएसटी कैसे लगेगा सर्विस वाले केस में? तो सर्विस वाले केस में क्या होता है, गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है कि वो भी एक गुड्स की तरीके से है, कि जब कोई डॉक्टर अपना डॉक्टर है, सपोज प्रोफेशनल है, सीए प्रोफेशनल है, तो जब वो अपनी सर्विस दे रहा है तो हम उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो कुछ गुड्स बेच रहा है, और उसके बेस पे हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो जब सर्विस वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखो अभी तो हम गुड्स का पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, फिर जब हम सर्विसेज पे आएंगे तो सर्विसेज पे जो टैक्स लगेगा उसको हम कैसे एज्यूम करेंगे कि जैसे गुड्स पे लगता है, ये चीज याद रखना। एक पॉइंट और याद रखना इसमें, इंपोर्ट्स जो होंगे, इंपोर्ट्स जो अब, हाँ इंपोर्ट्स मैंने बताया कि इंपोर्ट्स उसको किस में किया, आईजीएसटी में, सॉरी एक सेकेंड, ये दो पॉइंट को डिफरेंस करना, इंपोर्ट्स विल बी टैक्स्ड एज अंडर जीएसटी, बट जो एक्सपोर्ट्स होंगे
will be created under IGST. स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुआ इसके पहले जो स्टेटमेंट बताया था इक्विवेलेंट आईजीएसटी विल आल्सो बी इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट्स. ये वाला पॉइंट देखो ये इक्विवेलेंट आईजीएसटी विल आल्सो बी इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट्स और यहां मैंने लिखा है इंपोर्ट विल बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी. इन दोनों लाइन का मतलब समझे आप लोग? बताओ. जैसे दिल्ली है और दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है कि नहीं है. और ये पांडिचेरी भी? यस मैम ये भी है. लेकिन इन इस इन यूनियन टेरिटरीज ने क्या किया एक लेजिस्लेशन पास किया अपने पार्लियामेंट में मतलब जो स्टेट में जो रहते हैं ना चुनाव स्टेट वाले तो उसमें इन लोगों ने अपना एक पास किया और खुद का एक लेजिस्लेचर बनाया क्योंकि इनके खुद के लेजिस्लेचर है. दिल्ली वाले यूनियन टेरिटरी में आता है बट वो अलग से ही चलता है क्योंकि वो इंडिया का क्या है कैपिटल है तो उनका खुद का लेजिस्लेचर है. तो इन्होंने खुद का एक जीएसटी एक्ट पास किया और ये लोग उसके लिए एसजीएसटी नाम देते हैं उसको स्टेट. देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं स्टेटमेंट्स बट याद रखना जब भी आप लोग प्रैक्टिकल्स बनाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन करेगा यूनियन टेरिटरी और साथ में दे दिया क्वेश्चन दिल्ली का तो आप लोग यूटी जीएसटी नहीं लगाएंगे आप क्या लगाएंगे उसमें एसजीएसटी लगाएंगे. आ रहे समझ में? यस मैम. ये सारी चीजें याद रखनी है प्रैक्टिकल्स के टाइम पे. यस मैम. आगे इसमें देखो मैम. हाँ मैम एक बार आईजीएसटी के एग्जांपल का समझाइए ना मैम. किसका? आईजीएसटी वाला. आईजीएसटी का एग्जांपल एक सेकंड. एग्जांपल्स ऑफ IGST. देखो जैसे सपोज इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं कुछ ठीक है 380,700 के समझो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं सपोज है ना. दूसरा इलेक्ट्रिकल फेंस है वो है 200,000 के. एग्रीकल मेडिसिन है वो है 75,000. डीलर है कोई सीजी का ही है वो क्या कर रहा है जो मेडिसिन है जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में सब मेंशन क्या रहता है तो वो इसके लिए लिख देगा मेंशन सप्लाई विद इन द स्टेट. फिर जैसे इलेक्ट्रिक फेंस के लिए भी लिखा सप्लाई विद इन स्टेट सेम. मेडिसिन के लिए देखो उसने लिखा होगा सप्लाई टू सपोज इंदौर लिख दिया तो थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाना कि इंदौर सीजी में आता है क्या नहीं आता है. दूसरा क्या रेट ऑफ टैक्स दे दिया होगा क्वेश्चन में ट्वेंटी परसेंट तो जो इलेक्ट्रिकल गुड्स रहेगा और इलेक्ट्रिकल फेंस रहेगा तो इसमें जब अपन 20% टैक्स दिया सिर्फ तो
हम इसको क्या करेंगे, देखो 3,80,700 और 2 लाख कितना हुआ इसका टोटल, 5,80,700 हुआ। इसको हम 50% में अगर डिवाइड करेंगे तो 50-50 कितना होगा बताओ, 5,80,700 का 50% कितना होगा, 2,90,350। 2,90,350 होगा। या फिर आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हटाएं तो सीजीएसटी लेंगे, एंटर करना एसजीएसटी। अगर 20% टैक्स रेट है तो कितना होगा, 20% टैक्स रेट बताओ, ओवरऑल का बताओ बताओ। 5,80,700 का 10% टैक्स बताओ, 1,16,140। कुछ भी, हम 5,80,700 करना। हाँ 10%, मैम 10%, 20 बताया मैम, 10% तो 5,80,700 होगा। 5,80 कितना होगा, 5,80,70। इस पे भी 5,8, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो रेशमी, माइक म्यूट करो बेटा। देखो तो रेट ऑफ टैक्स कितना था, 20%। तो क्या करना, जो विद इन द स्टेट है, तो जो विद इन द स्टेट वाला पॉइंट होगा उसमें इक्वल टैक्स को डिवाइड करना सीजीएसटी और एसजीएसटी करके, और ये 10-10% करके दिया। अब जब उस पे आएंगे किस पे, आईजीएसटी पे, तो उसका अमाउंट अलग रखेंगे आप लोग क्वेश्चन में, कितना है उसका, 75,000। तो इस पे कितना परसेंट लगेगा, 20%। तो बताओ कितना होगा 75,000 का 20%, मैम 15,000। बस कुछ था इसमें डिफिकल्ट, बहुत इजी है। जैसे ये सप्लाई ऑफ इंदौर वाले को देखो, अगर इसमें एक चीज पॉइंट और एंटर कर देता ब्रैकेट में, ये इंदौर वाला हटा रही हूं मैं, अब इसको जैसे ब्रैकेट में कंडीशन दे दिया, 20,000 ऑफ दिस सप्लाई टू इंदौर, तो इसका 20,000 सिर्फ सप्लाई हुआ है, तो 75,000 का 20,000 तब इस कंडीशन में हम आईजीएसटी लेंगे यहाँ पे सिर्फ 20,000 का कितना परसेंट, 20%, कितना होगा 4,000। 4,000 और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो सीजीएसटी और एसजीएसटी में होगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 5,80,700 में प्लस हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा इसमें बताओ, 75 में से 20 गया तो कितना प्लस होगा, बताओ कितना होगा। यस मैम 55। तो टोटल करो, 5,80,700 प्लस 55,000, मैम 6,35,700, 6,35,700, 700। हाँ ये हो गया। अब सीजीएसटी क्या हो जाएगा इस केस में, इसका 10-10%। हाँ कितना हो गया, 6,35,70, सॉरी हाँ, 6,35,70, और एसजीएसटी वो भी उतना ही, वो भी सेम। और आईजीएसटी क्या हो जाएगा, देखो आईजीएसटी डबल नहीं हो गया, आईजीएसटी का टैक्स रेट डबल हो जाता है, हुआ कि नहीं हुआ था, देखो उसमें पूरा दे रहे थे उसमें आधा आधा दे रहे हैं। आया समझ में, प्रैक्टिकल कैसे करना है इसका, आईजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी का, क्लियर है।
यस मैम ओके।